हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम जानेंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई, किसके द्वारा की गई और इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ पर हुए और उस समय कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कांग्रेस के बारे में कुछ बातें। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या है? लोगों का समूह। और यह शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अंग्रेजी क्रांति से लिया गया है। अब बात करें कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है और संस्थापक के रूप में हम जानते हैं ए ओ ह्यूम को। इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। और स्थान क्या था, कहाँ इसकी स्थापना होती है? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना होती है और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। मैंने वायसराय के वीडियो में भी बताया था ये चीज़ कि डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। तो याद रखें उस समय वायसराय कौन था, तो डफरिन था। अब इसके नामकरण की बात करें तो नामकरण इसका है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। इसका नामकरण, पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। कांग्रेस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ए ओ ह्यूम को जाना जाता है। और कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे, तो वो भी ए ओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय संघ के प्रस्तावित नाम से ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है पुणे में होना तय किया था। अर्थात कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होना था वो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में एक बीमारी फैल जाती है, प्लेग। प्लेग बीमारी फैलने की वजह से पुणे से यह कैंसिल हो जाता है और उसके बाद फिर ये बम्बई में होता है। 1885 में ही जब प्रथम अधिवेशन हुआ उसी समय दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दे दिया गया था। ये पॉइंट यहाँ से याद रखें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आगे चलते हैं कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई। तो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में दो सिद्धांत जो है काफ़ी फेमस है। एक है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत और दूसरा है तड़ित चालक सिद्धांत। तड़ित चालक सिद्धांत जो दिया था विपिन चंद्र पाल ने दिया था और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो दी थी लाला लाजपत राय ने दी थी 1916 में यंग इंडिया में। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है और लाला जी ने यह भी बताया कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संचित असंतोष से बचने हेतु कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व के रूप में निर्मित किया गया है। ये कथन किसका है, लाला लाजपत राय जी का है, जिन्होंने दिया था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इसके बाद तड़िक चालक सिद्धांत जो है विपिन चंद्रपाल ने दिया था और इनका कहना था कि अंग्रेजी सरकार की प्रहार से भारतीय राष्ट्रीय संगठन को बचाकर मजबूत करने हेतु भारतीय नेताओं ने ए ओ ह्यूम को संस्थापक स्वीकार करके कांग्रेस, क्योंकि लाला लाजपत राय जी का मानना था कि भारतीय जनता में जो असंतोष है, आक्रोश है, उससे बचने के लिए सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। वहीं विपिन चंद्रपाल जी का मानना था कि अंग्रेजी सरकार का प्रहार जो डायरेक्ट जनता पर पड़ता था तो जनता को उससे बचाने के लिए जो भी भारतीय नेता थे उन्होंने ए ओ ह्यूम को संस्थापक स्वीकार करके कांग्रेस में शामिल हो गए। ये था तड़ित चालक सिद्धांत और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो आपको याद क्या रखना है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किससे संबंधित है, तो लाला लाजपत राय ने, और कब दी थी, तो 1916 में यंग इंडिया में। और तड़ित चालक सिद्धांत किससे संबंधित है, विपिन चंद्र पाल से। अब आगे बात करते हैं कांग्रेस के लिए कुछ प्रमुख बयान हैं कि सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कांग्रेस को किसने कहा था, तो डफरिन ने कहा था। फिर देशद्रोही संगठन किसने कहा था, तो कर्जन ने कहा था। कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कर्जन ने कहा था। मेढक की तरह टर्राना किसने कहा था, तो बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि ये मेढक की तरह टर्राने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक जी का है। फिर शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहा था लाला लाजपत राय जी ने। और तीन दिन का तमाशा, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो तीन दिन का, वर्ष के लास्ट में तीन दिन का तमाशा, इसको अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। और पदों के लिए भूखे लोगों की संस्था कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यह कथन किसका है, तो यह अरविंद घोष का है। और कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था आज़ादी मिलने के बाद। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कथन। अब चलते हैं हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की तरफ। सबसे पहले है प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर कुल तीन दिन तक चला था।
और प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें शॉर्ट में डब्ल्यू सी बनर्जी भी बोलते हैं। पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। स्थान क्या था? बम्बई था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, हमने पीछे भी बात की इसके बारे में। और इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। तो इतने पॉइंट आपको प्रथम अधिवेशन से जरूर याद रखने हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 3 दिन तक चला था। प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी और टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने। स्थान था बम्बई और वायसराय था भारत का उस समय डफरिन। इसके बाद आगे है 1886 का कोलकाता अधिवेशन। 1886 का कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष बने कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले, ये भी याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है 1887 का अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम हैं। पूछा जाता है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे, तो याद रखें बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है और आगे भी बनेगा। तो 1887 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट है 1888 का अधिवेशन जो होता है इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। तो जॉर्ज यूले से क्वेश्चन क्या पूछता है, 1888 का जो अधिवेशन हुआ इससे क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। और कब की थी अध्यक्षता इन्होंने? तो 1888 में की थी, इलाहाबाद में हुआ था अधिवेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1893 का अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में। 1893 का अधिवेशन हुआ था लाहौर में और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में की गई थी? तो याद रखें 1893 के लाहौर अधिवेशन में और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद नेक्स्ट है 1896 का अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में और जिसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्ला शयानी ने। इसकी विशेषता यह है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इस अधिवेशन में। और वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, उसी से लिया गया है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो याद रखें 1896 का अधिवेशन हुआ कहाँ था, स्थान भी याद रखें कोलकाता में, अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला सयानी थे। इसके बाद नेक्स्ट है 1905 का वाराणसी का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन जो हुआ था वाराणसी में और जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने और इसमें बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी और विशेषता यह है कि बंग भंग आंदोलन जो होना था उसका समर्थन किया गया था 1905 के अधिवेशन में। फिर अगला है 1906 का अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने और पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? तो 1906 में किया था। स्वराज शब्द से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से किसने किया था, तो वहाँ पर आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। और एक है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसका कथन है? तो ये बीजी तिलक जी का कथन है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें स्वराज से रिलेटेड जो तीनों कथन है याद रखें कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती जी ने और इसके बाद कांग्रेस के मंच से पहली बार किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। अब आगे चलते हैं, अगला है 1907 का अधिवेशन जो हुआ था सूरत में और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष जी ने। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी सूरत अधिवेशन की। और इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता यह है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में। 1907 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो आप याद रखें कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था, अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष और कांग्रेस का इसमें विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल में। इसको आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं कि गर्म दल और नरम दल में जब विभाजन हो गया तो उनको एक दूसरे की सूरत रास नहीं आई। ठीक है, एक दूसरे की सूरत रास ना आई से रास बिहारी बोस हो जाएंगे अध्यक्ष और सूरत से सूरत स्थान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 1908 का मद्रास अधिवेशन। 1908 का अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में हुआ था और इसकी भी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस जी ने
और इसमें पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। तो पूछा जाता है कि पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1908 के मद्रास अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अब है 1911 का अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है 1911 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर ने, और इस अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर राष्ट्रगान पूछा जाता है तो 1911 का अधिवेशन होगा कोलकाता, और अगर राष्ट्रगीत पूछा जाता है तो राष्ट्रगीत होगा 1896 का कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी। ठीक है, और 1911 के अध्यक्ष कौन है, विशन नारायण धर। इसमें राष्ट्रगान गाया जाता है पहली बार जनगण मन, और इसकी रचना किसने की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, और सर्वप्रथम 1912 में यह तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से बंगला भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो कब यह प्रकाशित हुआ सर्वप्रथम, 1912 में हुआ था, किस पत्रिका में, तत्वबोधिनी पत्रिका में, और शीर्षक क्या था इसका, तो भारत भाग्य विधाता इसका शीर्षक था, और भाषा कौन सी थी, बांग्ला भाषा थी, और इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान होने का दर्जा मिल गया था। ये रहा 1911 से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, और 1911 का अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में, अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। ठीक है, तो ये याद रखें, आगे चलते हैं। आगे है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है। अधिवेशन तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैंने ऐड किए हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे अधिवेशन इसमें ऐड किए हैं। और उसी क्रम में जो है 1916 का अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है, और गरम दल और नरम दल जो अलग हो चुके थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, वो अब एक हो जाते हैं, उनके बीच भी समझौता हो जाता है। और ये समझौता होता कि इसके प्रयास से है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के प्रयास से होता है, ये भी याद रखें। ठीक है, कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता, और गर्म दल और नरम दल के बीच में जो समझौता होता है वो कब होता है, तो 1916 के अधिवेशन में होता है। स्थान कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, और किसके प्रयास से ये समझौता हुआ, एनी बेसेंट और बी जी तिलक जी के प्रयास से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1917 का अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में, और जिसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, तो 1917 के अधिवेशन की जो हुआ था कोलकाता में। इसके बाद नेक्स्ट है 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 का अधिवेशन हुआ था नागपुर में, इसकी अध्यक्षता की थी वीर राघवाचारी जी ने, और इसमें असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसमें असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, किसमें, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, अध्यक्षता की थी वीर राघवाचारी ने। इसके बाद नेक्स्ट है 1924 का अधिवेशन जो हुआ था बेलगांव कर्नाटक में, जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, सिर्फ गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। फिर 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन, अध्यक्षता की सरोजनी नायडू ने। इनसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर पूछता है क्वेश्चन कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर होना चाहिए सरोजनी नायडू। बट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहाँ पर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष में एनी बेसेंट जी हो जाएंगी, जिन्होंने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। लेकिन सरोजनी नायडू की बात आएगी जब, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये सरोजनी नायडू, और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 ईस्वी में कानपुर के अधिवेशन में। इसके बाद नेक्स्ट है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1929 का अधिवेशन, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, और इसमें विशेषता क्या थी इस अधिवेशन की, कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और तिरंगा फहराया गया था रावी नदी के तट पर, और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार
कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस कब मनाया था, तो 26 जनवरी 1930 को। कुछ लोग 1929 ट्रिक कर देते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अधिवेशन जरूर 1929 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिज्ञा ली गई थी कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, जो कि मनाया भी गया था। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन कब होता है, 1929 में होता है। अध्यक्षता की थी जेएल नेहरू जी ने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। फिर नेक्स्ट है 1931 का कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित होता है। फिर नेक्स्ट है 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम जो आता है, इसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। किस अधिवेशन में, 1936 के अधिवेशन में। फिर है 1937 का अधिवेशन, जो हुआ था फैजपुर उत्तर प्रदेश में। इसके भी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। और पहली बार किसी गांव में हुआ अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, 1937 में हुआ था, और कहां पर, तो फैजपुर में। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि पहली बार गांव में अधिवेशन किस वर्ष हुआ, तो 1937 में हुआ। या फिर ये भी पूछ सकता है कि पहली कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, वो किस गांव में हुआ था, तो फैजपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। या उसकी अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये दूसरा ग्रामीण अधिवेशन है। पहला कौन सा है, फैजपुर अधिवेशन, और दूसरा ग्रामीण अधिवेशन कौन सा है, हरिपुरा अधिवेशन है। और इसमें क्या हुआ था, पहली बार झंडा गीत कौन सा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत के झंडा गीत के रूप में अपनाया गया था। और इसकी रचना किसने की है, तो श्यामलाल गुप्ता ने की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन। इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस जी विजयी होते हैं, लेकिन गांधी जी के प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, जिनकी हार हो जाती है। उनकी हार पर गांधी जी काफ़ी दुखी होते हैं और कहते हैं पट्टाभी सीतारमैया की नहीं, मेरी हार है। जिससे दुखी होकर के सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 25 अप्रैल 1939 को। क्वेश्चन पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कब की थी, तो 1939 में की थी। और एक क्वेश्चन बनता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद फिर अध्यक्षता कौन करता है, कौन अध्यक्ष बनता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और इस अधिवेशन के बाद 1941 से 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, फिर 1946 में अधिवेशन होगा। तो 1941 से 45 तक कौन अध्यक्ष बने रहते हैं लगातार, तो अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 1947 का अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष कौन बनता है, तो जेवी कृपलानी जी बनते हैं। और अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन की विशेषता क्या है, तो ये स्वतंत्रता के समय होता है अधिवेशन, 1947 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जेवी कृपलानी। ये थे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर पूछता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहाँ सरोजनी नायडू होगा आंसर। 1885 से 1947 तक बात आई है कांग्रेस में महिलाओं के अध्यक्ष होने की, तो आपको बता दें कि 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस में कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी, तो 3 महिलाएं अध्यक्ष बनती हैं। कौन कौन सी, पहली तो हो गई एनी बेसेंट, दूसरी है सरोजनी नायडू, और तीसरी है नेल्ली सेन गुप्ता। नेल्ली सेन गुप्ता बनती हैं 1933 में। ठीक है, नेल्ली सेन गुप्ता 1933 में अध्यक्ष बनती हैं, और ये दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस के इतिहास में 1885 से 1947 तक कुल 3 महिलाएं अध्यक्ष बनती हैं, याद रखें। ठीक है, ये तो अध्यक्ष की बात रही, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनमें पहली बार किसी महिला ने किस अधिवेशन में भाग लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि 1889 का अधिवेशन जो हुआ था, और कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, बम्बई में हुआ था अधिवेशन, और उसकी उस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था, किसी महिला ने भाग लिया था। ठीक है, फिर है एक डेट 1990 में क्या होता है कि पहली बार कांग्रेस के मंच से किसी महिला ने संबोधित किया था,
कांग्रेस के मंच से पहली बार किसी महिला ने संबोधित किया था 1990 के अधिवेशन में, और ये अधिवेशन होता है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में अधिवेशन होता है और पहली बार कांग्रेस के मंच से किसी महिला ने संबोधित किया, और उन महिला का नाम क्या था, तो कादम्बिनी गांगुली था, और ये भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन भी थी, ये भी याद रखें। फिर पूछता है कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो अबुल कलाम आज़ाद जी, अबुल कलाम आज़ाद जी कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद है सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष रहते हैं, 1940 से लेकर के 1946 तक ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, पट्टाभी सीतारमैया स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के इतिहास में 1885 से लेकर 1947 तक तीन बार अध्यक्षता करने वाले कितने लोग थे, तो दो लोग थे, कौन कौन से, दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी ने भी तीन बार अध्यक्षता की और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी तीन बार अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी ने कब की, तो 1886 का कोलकाता अधिवेशन, 1893 का लाहौर अधिवेशन और 1906 का कोलकाता अधिवेशन, तीन बार अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की, 1936 का लखनऊ अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता करते हैं, और 1937 का फैजपुर अधिवेशन उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो तीन बार अध्यक्षता करने का जो श्रेय जाता है वो दो लोगों को जाता है, दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, तीन बार अध्यक्षता करने वाले ये लोग हैं, और अगर सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, ठीक है। अब कांग्रेस पर प्रतिबंध भी लगा है चार बार, कब कब लगा है बात करते हैं। 1981 में असहयोग आंदोलन के समय भी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगता है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगता है, 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस के प्रतिबंध से भी, तो ये भी याद रखें आप, ठीक है। ये रहा हमारा थ्योरी सेक्शन, थ्योरी सेक्शन यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में, कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है 1885 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, तो बंबई में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर डब्ल्यू सी बनर्जी, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, कब होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1929 में, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी, कांग्रेस ने, कांग्रेस के मंच से जो है पूर्ण स्वराज की मांग कब की जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में, 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट है किस आंदोलन में गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1931 में, 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का सबसे लंबा अधिवेशन कौन सा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस का सबसे लंबा अधिवेशन कौन सा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1940 का, 1940 का जो अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अबुल कलाम आज़ाद जी करते हैं। उसके बाद 1941 से 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, फिर 1946 में होता है तो जे वी कृपलानी जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा समय तक कौन सा था अधिवेशन, 1940 का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस के अधिवेशन में गृह नियम की मांग कब की गई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916 में, गृह नियम यानी होम रूल की मांग की गई थी 1916 के अधिवेशन में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा किस अधिवेशन में नव भारत का उद्घाटन हुआ था, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में नव भारत का उद्घाटन होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1930। यहाँ पर नव भारत के उद्घाटन से तात्पर्य यह है कि कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेस से,
तो 1930 में मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1930 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने असहमति का प्रस्ताव कब पारित किया था, कांग्रेस ने असहमति का प्रस्ताव कब पारित किया, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। फिर अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की योजना बनाई थी, तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी नमक सत्याग्रह की योजना बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 के अधिवेशन में। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा सेशन कम्प्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।